हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों अभी हम यहाँ पर जंतु वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जंतु वर्गीकरण। ठीक है, आपको पता होगा जंतु वर्गीकरण की जो है मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही डाल दिया है, जो कि कैमरा रिकॉर्डिंग से है और ये हमारा पेन टूल रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर हम पार्ट थ्री देखने वाले हैं, जिसमें कि हमारा एक ही फाइलम बच गया था, यानी कि एक ही संघ हमारा बच गया था जिसका नाम था कार डेटा। कार डेटा, ठीक है, कार डेटा संघ। तो कार डेटा संघ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कार डेटा संघ जो होता है उसके पांच भाग हैं। ठीक है, कार डेटा संघ को पांच भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पांच भाग हैं देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ठीक है, इन पांच भागों में बांटा गया है कार्डेटा संघ को। तो सबसे पहले हम मत्स्य वर्ग को पढ़ लेते हैं। देखिए, मत्स्य वर्ग यानी मछली जो होती हैं, ठीक है, जिस मछलियां वर्ग की, तो इनके विषय में मैं बता दूं आपको। सबसे पहली बात तो ये कि मछली जो होती हैं वो गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, चलिए, और ये जल में रहती हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी मछली के उदाहरण हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। शार्क, यानी शार्क को हम डॉग फिश भी कहते हैं। शार्क को हम क्या कहते हैं? डॉग फिश। डॉग फिश भी हम शार्क को कहते हैं। और शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती, शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस हम समुद्री घोड़े को कहते हैं। ये जो समुद्री घोड़ा है इसी को हम क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस के विषय में आपको एक बात जाननी जरूरी है, चाहिए कि हिप्पोकैम्पस ऐसी मछली है विश्व की सबसे धीमे चलने वाली। ठीक है, सबसे धीमे चलती है पूरे विश्व में ये मछली। हिप्पोकैम्पस जो मछली है ये विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली है। ठीक है, आगे देखिए, अगली जो मछली है इसके बारे में हम जानेंगे, ये है गैम्बोशिया। ठीक है, गैम्बोशिया, ये जो गैम्बोशिया मछली है इसको मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। इसको मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं, यानी जिस तालाब में ये गैम्बोशिया मछली पाई जाएगी, तालाब या कुएं में, उसका ना उसमें मॉस्क्यूटो यानी मच्छर जो होते हैं वो मच्छर जन्म नहीं ले सकते, मच्छर नहीं पनप सकते उसमें। ठीक है, चलिए, और इसके बाद देख लेते हैं एक पाषाण मछली। पाषाण मछली को स्टोन फिश भी कहते हैं। पाषाण मछली को क्या कहते हैं? स्टोन फिश भी हम कहते हैं। ठीक है, तो पाषाण मछली को स्टोन फिश भी कहते हैं। और स्टोन फिश जो यानी पाषाण मछली है, ये सर्वाधिक विषैली मछली होती है, सर्वाधिक विषैली मछली होती है। एक होता है कॉड। ठीक है, कॉड, तो ये कॉड जो होता है ये भी एक टाइप की क्या है? मछली होती है। तो ये सारे मछली के प्रकार हैं, बाकी तो आप जानते ही हो, झींगा मछली वगैरह, यानी ये छोटी मोटी, इन सब डायरेक्ट मछलियों को तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे देखिए वर्ग आता है उभयचर वर्ग, और उभयचर वर्ग में हमें क्या जानना है? उभयचर वर्ग में हमें पता होना चाहिए कि उभयचर वर्ग जो होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। उभयचर वर्ग सांस किससे लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, उभयचर वर्ग ऐसे जीव जो जल में भी रह सकें और थल पर भी रह सकें, वो दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और वो कहाँ पर रह सकते हैं? थल में भी रह सकते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मेंढक है, हाइला है, टोड है, ये इसके उदाहरण हैं, मेंढक, हाइला, टोड। ठीक है, तो इनके सभी आपको उदाहरण ही याद रखने हैं, और इनके तो सारे उदाहरण बहुत ही हल्के हैं क्योंकि इन सभी को आप जानते भी हो। जैसे देखिए अगला वर्ग आता है सरीसृप। सरीसृप जो होते हैं वो अनियत तापी होते हैं। सरीसृप जो होते हैं वो अनियत तापी होते हैं। इनका ताप कोई नियत नहीं होता, इनका ताप फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वो हैं आपके, देखिए इधर कछुआ है, ये इसका उदाहरण है, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिग्रेटर और डेक्रो। डेक्रो को कहते हैं हम उड़ने वाली छिपकली। ठीक है, उड़ने वाली छिपकली, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सरीसृप वर्ग के उदाहरण हैं। अच्छा, यहीं पर सरीसृप वर्ग में एक और बात आपको बता दूँ, जो डायनासोर आपने सुना होगा, डायनासोर जो होते हैं,
ठीक है, डायनासोर जो थे वो भी किस वर्ग में हैं, वो भी अब तो देखो है नहीं, डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, लेकिन वो भी किस वर्ग में थे, वो सरीसृप वर्ग के थे। डायनासोर किस वर्ग के थे, सरीसृप वर्ग के थे। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें हम पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग ये नियत तापी होते हैं, इनका जो ताप होता है वो फिक्स होता है, नियत ताप। ठीक है, नियत तापी पक्षी वर्ग में आप सभी जानते हो भाई, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कि कबूतर है, मोर है, तोता है, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग हुआ, और ये कीवी हुआ। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी होता है। हमिंग बर्ड को हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ये सबसे छोटा पक्षी होता है और पीछे की ओर को उड़ता है, बाकी सब तो आगे की ओर उड़ते हैं लेकिन ये पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, तो इसी में ही एक और आता है पक्षी जिसका नाम है आवावील। आवावील को हम स्विफ्ट कहते हैं, आवावील या फिर स्विफ्ट, और ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। ठीक है, यहीं पर एक चीज मैं बता देता, यहाँ पर उड़ने वाला पक्षी हो गया। इसके बाद देखिए सर स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग के विषय में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ये जो स्तनधारी वर्ग है, इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया, कितने भागों में, तीन भागों में। भाई आपको ये बात जानकर बड़ा अचंभा होगा कि स्तनधारी कुछ ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं। अच्छा, कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं। हाँ, देखो स्तनधारी वर्ग को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, है नी, तीन भागों में बांटा गया है। तो ये जो प्रोटोथीरिया वाले होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। तो इनके दो उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं, एकिडना है और मोनोट्रिम। एकिडना और मोनोट्रिम, ठीक है। दूसरा होता है आपका मेटाथीरिया। दूसरा क्या होता है आपका, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया ये ऐसे हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। आपने देखा हो कंगारू बच्चा को जन्म तो देता है, लेकिन वो परिपक्व बच्चा नहीं होता। उसको अपने थैले से में आ गया, उसके थैला सा होता है, उसमें टांग कर वो डोलते रहता है उसको, है नी। तो उसको वो मैच्योर्ड बनाता है उसमें, यानी परिपक्व करता है उसमें रखने के बाद वो, उसको जैसे अंडे को सेकते हैं ना, ऐसे ही वो बच्चे को सेकता है उसमें रखकर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यूथेरियो। और यूथेरियो जो है वो ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। तो देखिए जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ स्तनधारी है, डॉल्फिन स्तनधारी, कपी स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी, और आपका सील फिश है, ये भी स्तनधारी है, समुद्री गाय स्तनधारी है, ब्लू व्हेल स्तनधारी है, चूहा स्तनधारी है, गाय स्तनधारी है, समुद्री सिंह स्तनधारी है। ठीक है, और ये जितने भी जानवर हैं ज़्यादातर आपके सभी ये स्तनधारी होते हैं, शेर, गाय, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, ये सब स्तनधारी है। ठीक है, तो चलिए स्तनधारी के विषय में आप समझ पाए। इसके बाद में देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो गिबन है, गिबन सबसे छोटा कॉपी है। गिबन जो है वो क्या है, ये सबसे छोटा कॉपी है। देख लीजिए, इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो गिबन है, ये वाला गिबन, क्या ई बैन है गिबन, ये सबसे छोटा कॉपी होता है। ठीक है, और ये चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये बड़े कॉपी में इनकी गिनती है। ये कॉपी है, बंदर नहीं है, ये कॉपी है। ठीक है, देखिए, और एक होता है आपका ये बूनन, सॉरी बबून। बबून जो होता है, बबून विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। बबून क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। बबून विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो लंगूर है, लंगूर एक बंदर है, लंगूर एक बंदर है। ठीक है, लंगूर को कपी मत समझना, लंगूर क्या है, एक बंदर है। तो यहाँ पर देखो डायनासोर वाला पॉइंट मैंने पीछे ही बता दिया था, डायनासोर आपके सरीसृप थे। ठीक है, तो यहाँ से इसका आपका पार्ट थर्ड ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।